हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके एचसीएफ समझाने जा रही हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स, दीज टू क्वेश्चंस आर आई एम गिवन इन योर लास्ट असाइनमेंट, फिफ्थ असाइनमेंट में बेटा मैंने ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने को दिए थे। मैं इन्हीं से स्टार्ट कर रही हूँ आपको समझाना। नाउ डिवीजन मेथड में हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, 36 थ्री की टेबल में, हम थ्री के साइड में आपका 5 से बड़ा नंबर है तो हम 4 की टेबल पढ़ेंगे। थ्री के राइट साइड में 5 से बड़े डिजिट है तो हम 4 की टेबल पढ़ेंगे, 3 की टेबल नहीं पढ़ेंगे। और 4 की टेबल में बेटा 7 से कम क्या आता है, 4 वन जा 4 आता है, 4 टू जा 8 बड़ा हो जाता है, तो हम 36 वन जा 36 देखेंगे। बेटा काफी बड़ा नंबर बड़ा है 36 से, तो हम माइनस ध्यान से करेंगे। 36 काफी छोटा है 70 से, लेकिन हम अगर भी माइनस करके देखेंगे, अगर 36 से छोटा आ गया तो मतलब ये ओके है, ठीक है। 10 में से 6 माइनस किया, 0 कैरी लेगा 10, 10 में से 6 माइनस किया 4, यहां पे बेटा 3 हो गया, 3 आएगा, 7 का हमने 6 बना लिया, 7 विल बिकम 6 एंड 6 में से हम 3 माइनस करेंगे, 3 आएगा, मीन्स 30 डिवाइजर से छोटा आ गया है रिमाइंडर। माइनस करके 34 आया है एंड इट इज स्मॉलर देन 36, इट मीन्स ये ओके है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दिस रिमाइंडर विल बिकम आवर डिवाइजर, ये रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और ये डिविडेंड, सॉरी जो लास्ट डिवाइजर है, इट विल बिकम आवर डिविडेंड। तो फिर से 34 बन गया, 34 ही आएगा, 6 में से 4 माइनस किया 2, 2 फिर से बेटा डिवाइजर बन जाएगा 34। अब 34 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, 2 वन जा 2 माइनस करा 1 बचा, 4 को ऊपर से कॉपी करेंगे हम 14, 2 7 जा 14, इट मीन्स 2 17 जा 34 होता है, तो आवर एचसीएफ इज 2, ठीक है स्टूडेंट्स, आवर एचसीएफ इज 2। देखिए बेटा ये जो डिवाइड है ये हमने 2 टाइम, दो बार में, 2 स्टेप्स में खत्म हुआ है ये डिवाइड, 2 से हमने 34 को डिवाइड किया, ये 2 स्टेप में खत्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये एक ही स्टेप में खत्म हो गया, 34 रिमाइंडर आ गया, ये भी एक ही स्टेप में खत्म हो गया, 2 आ गया, ये 2 स्टेप में खत्म होगा, ठीक है। नाउ और एचसीएफ इज 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 525 बेटा 2 की टेबल नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि 2 के राइट साइड की डिजिट आपकी 5 से बड़ी है, तो बेटा अगेन हम यहाँ पे 3 की टेबल पढ़ेंगे। 3 की टेबल में 5 से कम क्या आता है, 3 वन जा 3 आता है, 3 वन जा 3 आता है, क्योंकि 3 टू जा 6 बड़ा हो जाता है, तो हम 275 वन जा 275 करके देखते हैं। ये 275 525 से काफी छोटा है, लेकिन हम माइनस करके देखते हैं, माइनस करके अगर 275 से स्मॉलर रिमाइंडर आ रहा है, इट मीन्स ये ओके है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी आप बिगर नंबर आपका डिवाइजर होता है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप माइनस करके जो भी आता है वो डिवाइजर से छोटा ही आना चाहिए, ना डिवाइजर के इक्वल आना चाहिए, ना डिवाइजर से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम माइनस करते हैं, 5 में से 5 माइनस किया बेटा 0, 12 में से 7 माइनस किया 5, और ये 4 हो गया बेटा, 4 में से 2 माइनस किया 2, और आंसर इज 250। 250 इज स्मॉलर देन 275, इट मीन्स ये ठीक है, ठीक है। अब हम इसको कॉपी करेंगे, ये दिस रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर एंड दिस लास्ट डिवाइजर विल बिकम आवर डिविडेंड, लास्ट डिवाइजर हमारा डिविडेंड हो जाएगा। अब 250 बन जा 250, ठीक है, माइनस करेंगे
फाइव में से जीरो गया फाइव, सेवन में से फाइव गए टू, अब हमारा रिमाइंडर क्या आया 25। अब हम इसको डिवाइजर बना लेंगे और 250 इधर आ जाएगा बेटा। 25 की टेबल है लर्न, देखते आ रहा है ये तो 25 10 जा 250, ठीक है 25 10 जा 250, देन आवर एचसीएफ 25, ठीक है स्टूडेंट्स आर एचसीएफ 25। ये लास्ट असाइनमेंट, फिफ्थ असाइनमेंट में आपने ये क्वेश्चंस, आई होप आपने अगर गलत किए हैं तो आप इसे देख के ठीक कर लेंगे और आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चल जाएंगी। नाउ कम टू दी आवर असाइनमेंट 6। अब मैं असाइनमेंट 6 के क्वेश्चन आपको समझाने जा रही हूं। नेक्स्ट है बेटा 375 एंड 825 का हमें एचसीएफ निकालना है। अब हम 4 की टेबल में 8 को देखेंगे, 4 की टेबल में 8, 3 की टेबल नहीं, 3 की टेबल से हम गैस नहीं करेंगे क्योंकि राइट साइड की डिजिट 5 से बड़ी है, तो हम 4 की टेबल से गैस करेंगे। 4 की टेबल बेटा हम 8 को देखेंगे, तो 4 की टेबल में 8 क्या आ रहा है, 4 2 जा 8 आ रहा है, हमें 4 की टेबल 2 तक पढ़नी पड़ रही है, तो हम 375 की टेबल 2 तक पढ़ेंगे। मीन्स हम 375 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, 2 3 जा 6 7, 750 आ रहा है, ठीक है 750, जस्ट राइट 750। नाउ हम माइनस करेंगे, 5 में से 0 माइनस किया 5, 12 में से 5 गए 7, 0। अब हम 375 को डिविडेंड बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, 375 विल बिकम आवर डिविडेंड। अब हम 7 की टेबल में 37 को देखेंगे, 7 की टेबल में 37 से कम क्या आ रहा है, 75 या 35, ठीक है कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है बेटा इसका, हम गेस करके ही इस तरह के डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 की टेबल में 37 से कम क्या आता है, 75 जा 35, तो हम 77 की टेबल हमने 5 तक पढ़ी है, 75 जा 35 हमने गेस किया है, तो हमने गेस करने के लिए 7 की टेबल 5 तक पढ़ी है, तो अब 75 की टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आया, 5 5 जो 25, 5 7 35, सेम आ गया, ये सेम आ गया, वी जस्ट राइट इट, 75 5 जा 375। नाउ आवर एचसीएफ इज ओवर एंड एचसीएफ इज 75, ठीक है स्टूडेंट्स, आवर एचसीएफ इज 75। नेक्स्ट है हमारा 6th असाइनमेंट के 2 क्वेश्चंस है। अब हम इसमें 902 इज स्मॉलर देन इट विल बिकम आवर डिवाइजर एंड 1025 इज आवर डिविडेंड, ठीक है, तो 1 से ही होगा ये, 902 1 जा ही से जाएगा, तो क्या आएगा 902 1 जा 902। बी रिमेंबर बेटा हम 4 डिजिट के नीचे 3 डिजिट लिख रहे हैं, तो ये वाली डिजिट के नीचे कुछ नहीं आएगा, खाली रहेगी ये डिजिट, ठीक है, कभी भी हम 4 डिजिट के नीचे 3 डिजिट लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ये फर्स्ट डिजिट यहाँ की हम खाली छोड़ते हैं, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस किया 3, 5 में से 2 माइनस किया 3, 2 में से 0 माइनस किया 2, 10 में से 9 1, 123 ये हमारा रिमाइंडर आ गया। नाउ दिस रिमाइंडर विल बिकम आवर डिवाइजर, हम इस रिमाइंडर को अब अपना डिवाइजर बनाएंगे, और ये जो लास्ट डिवाइजर था, जो लास्ट डिवाइजर था ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। (clears throat)
अब बेटा हम 12 की टेबल में 90 को देखेंगे, 1 की टेबल नहीं, हम 12 की टेबल देखेंगे। 12 की टेबल में 90 से कम क्या आ रहा है बेटा, 12 7 जा 84 आपका आ रहा है, 12 7 जा 84 हमने गेस किया है। तो गेस करके हमने 12 की टेबल 7 तक रीड करी है, तो हम 123 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 7 2 जा 14 16 861। ठीक है ये, वी जस्ट राइट इट, 861। 2 में से 1 माइनस किया 1, देन 10 में 6 माइनस गया 4, और 9 ने कैरी दे दिया तो 9 आपका 8 हो गया, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 आया। अब 41 को हम डिवाइजर बना लेंगे और 123 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। देख रहे हैं आप, 123 इधर आ गया है और यहां पे 192 आपका आ गया था इधर पे, ठीक है। हर स्टेप में हमको ऐसे ही लास्ट डिवाइजर को डिविडेंड बना लेना है। अब हम 4 की टेबल में 12 को देखेंगे, 4 की टेबल में 12 को, 4 3 जा 12 होता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, सेम ही नंबर आ जाएगा, 3 3 3 4 जा 12, ठीक है। देन 41 इज आवर एचसीएफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको डिवाइड आते हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, और डिवाइड आप बेटा फोर्थ क्लास में भी करा था आपने, फिफ्थ में भी किया, अब आपको आ ही जानी चाहिए, ठीक है। इसके दो क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे। नाउ हम एग्जांपल 1 देखते हैं, असाइनमेंट 6 का, फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। फाइंड एलसीएम बाय डिविजन मेथड, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 340 612, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हमें डिवीजन मेथड से करना है, डिवीजन मेथड वही है बेटा जो आपने फोर्थ क्लास में किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये दोनों बेटा किससे डिविजिबल है, प्राइम नंबर ही लेने हैं हमें, 2 3 5 7 11 13 यही लेने हैं हमें, इनसे अलग कोई नंबर नहीं लेना है यहाँ पे। तो किससे हो रहा है ये बेटा, 2 से हो रहा है, 0 है इसकी वन प्लेस, इसकी वन प्लेस पे 2 है, तो 2 से हो रहा है ये। 2 के टेबल में 3 से कम क्या आ रहा है, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 बचा, 1 इस 4 के सामने लग गया तो ये 4 क्या बन गया बेटा, 14, 2 7 जा 14, 0 का 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे बहुत ध्यान से, और आप बेटा क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व करो, क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए तभी आपको आएगा, आप बैठ के सुनेंगे तो सुनने से मैथ्स नहीं आएगी, मैथ्स आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 3 जा 6, अब 1 तो 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमें 2 को भी लेना पड़ेगा, तो हम कैसे है? हम डिवाइड में कभी भी ऊपर से 2 डिजिट्स नीचे कॉपी करते हैं तो हम कोशेंट में 0 लगाते हैं, ठीक है। अब हम 1 हमसे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 0 लगा के 2 को भी ले लेंगे, मीन्स अब हम 12 को देखेंगे 2 के टेबल में, 2 6 जा 12, ये देखिए आप डिवाइड करते हैं 216 को 2 से, 2 3 जा 6 हो गया। अब 1 कॉपी किया, 1 नहीं डिवाइड हो रहा तो 0 लगा के हम 2 उतारते हैं, तो ये वही 0 है। ये सब हमें अपने माइंड में करना है, माइंड में कि 1 डिवाइड नहीं हो रहा 2 से तो हम 0 लगा के अब 12 को ले लेंगे, ठीक है। तो आपका इसका आया 306, अगेन ये बेटा 2 से ही हो रहा है, 2 8 जा 16 17 से कम क्या आता है 2 के टेबल में, 2 की टेबल में 17 से कम क्या आता है स्टूडेंट्स, 2 8 जा 16,
तो हमने लिख दिया 2 8 16। अब 17 में 16 माइनस किया, 1 आया, 1 आपका 0 के सामने चला गया, ठीक है। दिस 0 विल बिकम आवर 10, ठीक है, 10 हो गया। 2 5 10, 85 आ गया। नाउ अब 2 की टेल हम 3 को देखेंगे, 3 से कम क्या था, 2 की टेल में 2 1 2, वी राइट 2 1 2, 3 में से 2 को माइनस किया, 1 बचा बेटा, 1 इस 0 के सामने लग गया, ये 0 आपका 10 बन गया, 2 5 10। अब लास्ट में 6 बचा है बस, 2 3 6। अब ये दोनों बेटा किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों प्राइम नंबर से ही डिवाइड हो रहे हैं, 2 से नहीं हो रहे, 3 से ये हो रहा है, 5 और 3 8 8 और 1 9, ये तो हो रहा है 3 से, ये नहीं हो रहा, 8 8 और 5 13 13 नहीं आता 3 के टर्म में, 5 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं है, उसके बाद 7 से भी नहीं हो रहा, कोई भी नहीं हो रहा 7 से तो, ठीक है। 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा बेटा, 11। 11 चेक करेंगे, 11 की टेल में 85 तो नहीं आता, ठीक है। 11 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 13। 13 की टेल में भी 85 नहीं आता, 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा बेटा, 17। 17 की टेल में ये दोनों आते हैं, ठीक है। अगर आप प्राइम नंबर लेके चलेंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कि ये दोनों किससे डिविजिबल है, और आप अगर प्राइम नंबर छोड़ देंगे, आप 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 ऐसे सबसे करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए प्राइम नंबर से ही आपको चेक करते चलना। तो मिल गया हमें 17 17 5 85 और 17 9 153। अब ये दोनों बेटा अलग अलग नंबरों से हो रहे हैं, ये 3 से हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, आप चाहे 5 से करिए, आप चाहे 3 से करिए, किसी से भी आप कर सकते हैं। 5 से हम करते हैं, 5 1 5 9। अब हम चाहे तो यहीं पे एलसीएम को रोक सकते हैं, हम 2 2 17 2 × 2 × 17 × 5 × 9 कर सकते हैं यहीं पे। 9 आखिर में लास्ट में बचा, उसके साथ में 1 है, तो 9 को हम अपने आप मल्टीप्लाई कर दे एलसीएम निकालने के लिए, इससे आगे चाहे तो आप ना मल्टीप्लाई एलसीएम ना निकालें, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता कि हमें कहां पे रुकना है, इसलिए आप नीचे 1 1 आए तब तक करते ही रहिए। आप लोग कई बार कहीं पे भी रुक जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं एलसीएम निकालना, तो वो गलत भी हो जाता है। तो नेक्स्ट है, आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे क्या आंसर आ रहा है हमारा, 2 2 4 4 17 4 68, और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 4 17 4 68 मल्टीप्लाई 5 3 15 15 3 45। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 3040 3040 सॉरी 60, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बी आपका, देख के पता चल रहा है 5 के टेल बेटा 7 से कम क्या आता है, 5 1 5, ठीक है, वी राइट 5 1 5। 7 में से 5 माइनस किया बेटा 2 आया, 7 में से 5 माइनस किया कितना है 2, 2 कहां जाएगा, इस 5 के सामने मान लेंगे उस 2 को हम, तो ये 5 कितना हो गया 25, ठीक है। तो 5 5 25 होता है, दोबारा से बता रही हूं, 5 की टेल में हम 7 को देखेंगे, 5 1 5 होता है, हम 5 1 5 लिख देंगे,
अब सेवन में से फाइव माइनस किया कितना बचा टू, टू को इस फाइव के सामने मान लेंगे तो फाइव कितना हो गया, ये फाइव ट्वेंटी फाइव हो गया। अब ट्वेंटी फाइव कब आता है फाइव की टेल में, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। अब इसको करेंगे फाइव की टेल में ट्वेंटी फाइव को देंगे, फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव जीरो का सेम आ जाएगा। फिर से ये फाइव से हो रहा है, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव टेन जा फिफ्टीन। इसे भी हम यहीं पे एक नंबर थ्री वन जा थ्री कट, ये दोनों अब सेम नंबर की टेल में नहीं आ रहे, ये टू और फाइव की टेल में आता है और ये बस थ्री की टेल में आता है। तो हम थ्री वन जा थ्री करके टेन टेन, अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, फाइव इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू टेन, यहीं पे रोक सकते हैं इनसे उनको, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप लोगों को पता नहीं चलता कि हमें कहां स्टॉप करना है, इसलिए आप कोशिश कीजिए नीचे वन वन ही लाने की। टू फाइव जा टेन, देन फाइव वन जा फाइव। अब इसका एलसीएम आएगा, आप चाहें तो इतनी लंबी मल्टीप्लाई ना लिखे, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फाइव है ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव थ्री जा फाइव, फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव थ्री जा सेवेंटी फाइव, और फाइव टू जा टेन, टेन मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी फाइव कितना हो गया सेवन फिफ्टी। रिपीट कर रही बेटा दोबारा से, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव थ्री जा सेवेंटी फाइव होता है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव टू जा टेन, टेन और सेवेंटी फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सेवन फिफ्टी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी दशहरा आप सबको, थैंक यू।